हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बीते कई दिनों से हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश था। 6 दिसंबर का दिन देश की उस बेटी के नाम हुआ जिसके लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। उस बेटी को दुनिया में वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसे और उसके परिवार को बीते दिनों न्याय मिल गया है। जैसा कि सभी जानते हैं, रेप कांड के उन 4 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक के रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब कांग्रेस के नेता अभिषेक सिंघवी ने अपना रिएक्शन दिया, तो बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि अभिषेक सिंघवी ने लिखा था, कभी कभी बहसों और ह्यूमन राइट्स लॉजिक्स के बावजूद हमें देश के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र भी लोगों के लिए ही है। उनके इस बयान को देख अनुभव सिन्हा से रहा नहीं गया और उन्होंने अभिषेक सिंघवी को सीधा साल 1984 की याद दिला दी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगा भड़क गया था। इस दंगे को कांग्रेसियों से जोड़ा गया था। इसी बात को लेकर अनुभव सिन्हा ने अभिषेक सिंघवी पर तंज कसा है। बताते चले कि अनुभव सिन्हा का सिर्फ यही एक ट्वीट नहीं है जो सुर्खियां बटोरा है। आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर भी अनुभव सिन्हा ने लिखा था कि सोच रहा हूं कि न्याय के लिए मुजफ्फरपुर में कितने एनकाउंटर होंगे। वैसे अभिषेक सिंघवी को लेकर जो अनुभव सिन्हा ने कहा है, उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।